तेरा बन जाए। रिपोर्ट्स और अंगद यादव के केस हिस्ट्री देखने के बाद दो बातें बिल्कुल साफ हैं। एक तो ये कि अंगद यादव का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, और दूसरा ये कि ये मामला गैर इरादतन लगता है। खैर, हमें इस बारे में कोई कमेंट नहीं देना चाहिए, ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। इंस्पेक्टर, मैं मिस्टर शाम से मिलना चाहूंगा। मिलना चाहते हैं तो मिल लीजिए, ऐसी क्या बात है वकील साहब, लेकिन मिलने से कोनो फायदा नहीं होगा। उका है ना, पूरा परिवार समझा के हार गया, रिश्तेदार थक गए, प्रोफेसर साहब है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं, खुद ही कह रहे हैं हमने खून किया है, हमें सजा मिलनी चाहिए, चक्का जाम किए बैठे हैं। अब क्या कीजिएगा आप वकील साहब? वो मैं संभाल लूंगा। ठीक है फिर, चलिए आपको मिलवाए देते हैं, हम तो सेवक है, आपकी सेवा करने के लिए बैठे हैं। चलिए। हवलदार, लॉकअप खोलिए, जरा वकील साहब को प्रोफेसर साहब से मिलने दीजिए। कीजिएगा मिस्टर माथुर, हमने केस लड़ने के लिए अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया है। आप अपने आप को क्यों परेशान कर रहे हैं? चाहिए आप यहां से। देखिए मिस्टर श्याम, आपके अंदर की आग और कन्फेशन को अच्छी तरह से समझ सकता हूं। मैं आपसे सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूं। सच्चाई यही है कि अंगद का खून हमारी ही वजह से हुआ है, और उसकी जो भी सजा होगी वो हमें मिलेगी। मिस्टर श्याम, शायद आप भूल रहे हैं कि आप एक वकील से बात कर रहे हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि अंगद की मौत आपकी वजह से हुई है, और दूसरे ही पल आप कहते हैं कि आपने अंगद का खून किया था। आपको नहीं लगता कि इन दोनों ही बातों में जमीन आसमान का फर्क है मिस्टर श्याम? हम अपना केस लड़ना ही नहीं चाहते, तो फिर आप क्यों जोर दे रहे हैं? बाहर निकल के देखिए मिस्टर शाह, आपकी बेटी प्रतिज्ञा आपको रिहा करवाने के लिए कितनी मशक्कत कर रही है, क्या आप उसका साथ नहीं देंगे? सच्चाई को सामने लाने के लिए मेरी मदद कीजिए मिस्टर शाह। उसका साथ ना देकर हम उसकी ही मदद कर रहे हैं। अपनी बेटे की मदद? कैसी मदद मिस्टर श्याम? मिस्टर श्याम, जब एक मरीज का ऑपरेशन किया जाता है तो उसे तकलीफ तो होती है, उसका खून भी बहता है, लेकिन उसे जख्म नहीं कहते हैं। जख्म नहीं होता है, वो उसकी जिंदगी बचाने के लिए होता है। मैं चाहूंगा कि आप अपनी खोई हुई हिम्मत को वापस लाइए और सच की लड़ाई लड़ने में मेरा साथ दें। खैर, फिलहाल मैं चलता हूं, फिर मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखिएगा।
कौन हो तुम लोग? कौन हो? तुम हो अमन मां थोर बेटा, काहे चढ़ी जवानी में अपना माजा ढीला करने पर तुले हो? और इलाहाबाद के वकील तुम दबा के बिल में घुस गए, तुम काहे अपना सर ओखली में देने को तुले हो भाई? काहे जो बिलों में छुपकर बैठे हैं उनकी वही जाने, हम तो आदतन खुले में रहते हैं चाहे कोई भी मौसम। पकड़ती मत करो, ये करिया कोर्स सिलवाने में बड़ा खर्चा आया होगा, नए नए प्रैक्टिस में आए हो यही ये बता रहे हैं। बहस मुबाहिसा कोरट के अंदर करते हैं, अंदर कहीं बाहर से पढ़ के आए हो खा जो तुम ठाकुर सज्जन सिंह को नहीं जानते? बातचीत से तो लगता है कि तुम नए हो। ठाकुर साहब, मैं नया हूं या पुराना, इससे ना तो मेरा वजन घट जाएगा और ना ही आपका बढ़ जाएगा, इसलिए मेरे नए और पुराने होने को छोड़िए और अपनी सोचिए। अगर कल मैंने आपके खिलाफ यह अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया तो चुनाव लड़ना तो दूर की बात, आपका नामांकन भी रद्द हो जाएगा। बेटा, हम पे केस दायर कर को का? जब हिया से जिंदा वापस लौट के जाबो तक पोटी पोटी काट के चढ़ाए देंगे, किसी को पता नहीं लगे कहां तुम आंखों से ओझल हो गए हो। आगो साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब आपको ये करना ही था तो अपनी इस होनहार फौलादी औलाद को भेजकर मुझे धमकी देने की क्या जरूरत? वो भी बात तमाम लोगों के सामने। अगर मैं यहां से वापस नहीं गया ना ठाकुर साहब, तो मेरे मर्डर का केस आप पर आ जाएगा। इतना इंतजाम तो करके आया होगा। ए बेटा, तुम्हारा मर्डर केस ना ब्रह्मास्त्र ना कि ओकर कोनो काट ना 302-307 जैसे केस से डरने वालों में से नहीं ना। लेकिन चुनाव हारने से तो डरते हैं ना आप?
अगर मैंने आपके संधि श्याम सक्सेना को छुड़वा लिया तो आपको तो बहुत नुकसान हो जाएगा। नहीं, और आपकी ये जो बड़ी बड़ी आंखों में भरा जो गुमान है ना, वो आपको जरूर डुबो देगा। वरना ये जो आपकी खूबसूरत सी दाढ़ी है ना, उसकी सारी शोभा मर जाएगी। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता, समझ गए ना? अगर नहीं समझे तो अच्छी तरह से समझ जाइए। खैर, फिलहाल आपने मुझे ये जो मूल दिखाई की रस्म का तोहफा दिया है, मैं इसकी मरम पट्टी कर रहा था। साला भाई, डॉक्टर मरम पट्टी का किस्सा ही खत्म कर दे। आ सकतिया, बहुत चंचल है लौंडा। प्रतिज्ञा बन जा।